नमस्कार दोस्तों, मैं आज आईफेक्स गैलरी में हूँ। ये एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन हुआ है अभी, तो चेयरमैन बिमन दास जी थे और यहाँ पे साहित्य एकेडमी की जो सेक्रेटरी हैं वो भी आई थी, मोनिका जी। मेरे साथ छुट्टीलाल जी मीना हैं जो दौसा जिला से हैं, राजस्थान से। तो जैसे ये बताया इन्होंने कि ये दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से इन्होंने ग्रेजुएशन किया 2006 में, तो आपका ये सिलेक्शन जो हुआ है आईफेक्स की, इसके अंदर जो एग्जीबिशन है, तो कैसे लग रहा है आप? मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं पहले जूनियर भी कर चुका कैंप, और अब सीनियर में मुझे पार्टिसिपेशन के लिए मौका दिया, तो मैं आईफेक्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और नॉर्मल पूरे टाइम आप पेंटिंग्स करते हैं? जी हाँ, फ्रीलांस आर्टिस्ट भी हूँ। okay. जी मैं अभी घड़ी में स्टूडियो है मेरा। अच्छा जी, मैं अभी इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? इसमें ये एनिमल्स से मैं प्रेम करता हूँ, जो मेरे घर में जानवर हैं, ये बकरियाँ हैं, ये सब मेरे घर में है। किस्मत वाले हैं कि बकरी आपके घर में है। हम लोग के तो मतलब हम लोग बॉम्बे में पले। हाँ, जैसे हम तो किसान हैं ना, तो घर में खेती बाड़ी करते हैं, तो ये जानवर रखना जरूरी रहता ही है। और क्या चीज़ पे आप करते हैं पेंटिंग, लैंडस्केप्स और क्या क्या करते हैं? नहीं, मैं एनिमल्स करता हूँ ज़्यादा, और हाँ मैं कंजर्वेशन का काम करता हूँ, तो ये पैटर्न मैं वहाँ से लेके आऊँ, जैसे देहरादून ये इसमें किया, हुमायूं के मकबरे में रेस्टोरेशन। हाँ, ये तो पैटर्न जी जी उम्दा काम, 15-20 साल से इसमें काम कर रहा हूँ, तो ये मैं बैकग्राउंड में अब कुछ लाने के सोचा हूँ मैं। और क्या आप इसमें टीचिंग में जाना चाहेंगे? क्या आप बच्चों को सिखाना चाहेंगे आर्ट? हाँ, अगर ऐसा मौका मिलता है तो ज़रूर सिखाऊंगा। अभी तक तो मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट ही हूँ। जैसे आपने प्रोफेशन अभी आर्ट को चुना है, प्रोफेशन तो आप फुल टाइम आर्ट कर रहे हैं ना, और आपकी जो प्रदर्शनी कहाँ कहाँ लगी है? मेरा प्रदर्शनी यहाँ दिल्ली में भी लगी है, ललित कला में किया 100 लोग 100, और हैबिटेट सेंटर में भी किया हूँ, और इधर जयपुर में किया हूँ, काफ़ी 100 लोग 100 किया हूँ। रेगुलर कर रहे हैं आप, और आपकी पेंटिंग्स ज़्यादातर आप उसको फॉर सेल रखते हैं? जी, फॉर सेल रखता हूँ। सबसे जो उम्दा पेंटिंग जी, कीमत नहीं बोल रहा हूँ मैं, वैसे कौन सी पेंटिंग थी जो आप उसको बोलेंगे कि हमारी सबसे बेस्ट आर्ट वर्क था मेरा अभी 2023 तक? हाँ, मेरा वो था 2006 में, काफ़ी अच्छा काम था, जो इसमें ग्रुप मैंने एनिमल्स, जो मेरे गांव के घर की जो ग्रुप एनिमल्स बनाया था मैंने। क्या क्या एनिमल्स थे उसमें? गाय, बकरी, भैंस, एनिमल्स सारे ही ग्रुप तो में थे। शेर भी दिखाया था? नहीं, शेर हम लोग गए थे तो वो दिखाते शेर और नहीं दिखा पा रहे हैं। नहीं, वो तो मैं तो अपनी इनके साथ रहता हूँ, तो वही जिन सर भी इनके साथ। ऊँट भी तो होते हैं? ऊँट भी हैं, ऊँट मेरे। हाँ जी, ऊँट का भी मैं अलग अलग सीरीज बनाता हूँ, पहले बकरी की बनाऊंगा, फिर गाय की, फिर भैंस की, ऐसा सीरीज वाइज काम करता हूँ। तो जैसे आपने देखा कि मीना जी राजस्थान से हैं, और मीना जी की एग्जीबिशन जो है ये आईफेक्स में 30 तारीख तक है, 30 अगस्त, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव काल चल रहा है, और अभी 15 अगस्त था, तो ये एग्जीबिशन आप लोग आइए। आईफेक्स गैलरी जो है ये सबसे बड़ी गैलरी है दिल्ली में, जैसे बॉम्बे में जे गैलरी है, और यहाँ पे जो है आप मेट्रो से आ सकते हैं, केंद्रीय टर्मिनल से, और अगर आप अपने प्राइवेट वाहन से आते हैं तो आप लोग पार्किंग अवेलेबल है। तो संजय अग्रवाल आईफेक्स गैलरी में, और मेरे को अच्छा लगा मीना जी, आपको बहुत बहुत बधाई, और फिर आपसे मुलाकात। धन्यवाद। सर, थैंक यू सर। और भी